चुके हैं हम लोग इंडोर स्टेडियम सैफई और आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अंदर का जो कैसे ये सीटिंग प्लान है यहाँ का, कैसे वर्क होता था यहाँ पे और पूरी क्वालिटी जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लगाई गई है बहुत ही ए क्लास में इस गांव में ये इंडोर स्टेडियम तैयार किया गया है, जिसको आप देख के 100% कहेंगे कि ये इंडिया का सबसे रिच गांव है। और बाकी अगर हम बात करते हैं जो यहाँ की फैसिलिटीज़ है, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये इंडिया का बेस्ट प्लेस है, रिच भी है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो एक नंबर है गाइस। पूरा अगर हम मतलब पूरी दुनिया में भी कहीं घुमाएं तो आपको ऐसा गांव कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये एकदम सच है। आप शायद इस वीडियो को देख के आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जो फैसिलिटीज़ है जेन्युइन है और जो यहाँ की रोड है मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी कमी यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे इन्वायरमेंटल से लेके और जो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वहाँ तक। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको आज इंडोर स्टेडियम सैफई। इस इंडोर स्टेडियम के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ की क्वालिटी एक नंबर, चारों तरफ से पूरा फर्निश कर रखा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये सर भी हैं यहाँ की सिक्योरिटी में, यहाँ की देखभाल करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश जी नाम है इनका। और ये भी अपना काफ़ी अच्छा टाइम पास कर रहे हैं फुटबॉल खेल के और आनंद ले रहे हैं इस शानदार इंडोर स्टेडियम का। तो अब मैं आपको इनकी परमिशन पे मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा अंदर का, क्योंकि ये वीडियो किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ मैं अपने गांव की तारीफ में ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा गांव जो कि हमें मिला है धरती पुत्र के द्वारा, जिनका नाम है मुलायम सिंह। और हम अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है अपने गांव का शानदार लुक। तो आपको ये लुक किसी गांव में देखने को नहीं मिलेगा, आप धरती के किसी भी कोने पे चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, बट अगर गांव की बात करते हैं तो इतने अच्छे लेवल पर फैसिलिटीज़ स्पोर्ट के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हॉस्पिटलिटी के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आई थिंक आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिली हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो है सन ऑफ अर्थ मतलब धरती पुत्र मुलायम सिंह जिनका नाम है, और उन्होंने अपने संघर्ष से इस गांव को बहुत कुछ दिया और इसकी तारीफ में जितने शब्द भी कहे जाएं वो कम होंगे। आप देख सकते हैं इंडोर स्टेडियम गांव में, एक छोटे से गांव में चार चार स्टेडियम प्लस इतनी सारी अच्छी सड़कें, पर्यावरण, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, एक अच्छे लेवल पे है, लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं यहाँ की रियासत का, एक रियासत मान के चलिए इस गांव को आप। एक शानदार जो प्रस्तुति दी है गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त है। और मैं बात करूँ अगर इंडोर स्टेडियम के अंदर की, तो ये यहाँ पर कभी जगह नहीं हुआ करती थी बैठने तक की, लोगों की इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे जब फाइटर्स आके यहाँ पे फाइट करते थे और यहाँ पे प्रोग्राम चलते थे। यहाँ की एक एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा फेमस थी तो वहाँ पे पूरी स्टेडियम को लाइट से सजा दिया जाता था और ज़बरदस्त लाइटिंग रहती थी, काफ़ी अच्छा माहौल रहता था एग्जीबिशन का, वो भी शायद दुनिया के किसी भी गाँव में इतनी बड़ी एग्जीबिशन का आगाज़ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं सैफई महोत्सव के नाम से यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो। गाइज आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में बहुत सारे स्टेडियम जो कि एक गांव में हैं। तो आज इस स्टेडियम के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।